हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बताए मोनिका, मुझे सब कुछ ना एक हसीन सपने जैसा लग रहा है। क्यों? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत बीवी मिलेगी और मैं तुम्हारे साथ इस सुंदर देश में हनीमून के लिए आऊंगा। कम इन। सर टॉवेल। बाथरूम में। यस सर। कपल इज योर। Don't move. Hands up. What's happening here? Check the bag. लेकिन हमने क्या किया सर? बताता हूँ। आप हमारे बैग क्यों चेक कर रहे हैं? Cut it. Come on. What is this? क्या ये? क्या सब? जतिन, तो पैकेट्स हमारे बैग में कैसे आए? मुझे कैसे पता होगा मोनिका? ये सारी पैकिंग तो तुमने की थी ना? लेकिन जब मैंने पैकिंग करी थी, पैकेट्स उसमें नहीं थे। इन पैकेट्स में है क्या? मासूम बनते हो, हाँ? तुम्हें नहीं पता इन पैकेट्स में क्या है? नहीं सर। This is drugs. Drugs? और तुम्हें मालूम होगा, इस देश में ड्रग्स की सजा डेथ। हटो, पीछे हटो। क्या हुआ इसे? पीछे खून। ओह माय गॉड, ये तो मर गया। रुहान, रुहान नाम है इसका। रुहान प्रसन्न जी, आप इस क्लब के मालिक हैं? यस सर। और इस रुहान की मौत का आपको ही पहले पता चला? यस सर। सर ये सबके सामने अचानक नीचे गिर गया, इसके नाक से खून बह रहा था। मैंने जब इसकी नब्ज टटोली तो मुझे पता चला कि ये तो मर चुका। किसकी पार्टी चल रही थी यहाँ पर? सर मिस कामया की एंगेजमेंट पार्टी थी। अच्छा, आपकी एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी, तो इसका मतलब है रुहान को आप जानती हैं? नहीं सर। अरे मैं नहीं जानती इन्हें। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी नहीं जानते इन्हें, है ना? तो क्या ये रुहान विदाउट इनवाइट ऐसे ही घुसा है आपकी पार्टी में? हाँ शायद फ्री की शराब पीने आ गए हो। शराब पीने या जहर पीने? जहर? जी हाँ, जहर। जिस तरह इसकी नाक से खून निकल रहा है, ऐसा लगता है इसे जहर दिया गया है। इसके गले की नसें काली पीली पड़ गई है सर, जरूर कोई स्ट्रॉन्ग जहर है। सर वॉशरूम से ये व्हाइट पाउडर और ये सिरिंजेस मिले।
हो सकता है मौत ड्रग की ओवरडोज से हुई हो। क्यों कामिया जी, आपको अपनी एंगेजमेंट की इतनी खुशी हो रही थी कि आपने अपने गेस्ट को शराब भी पिलाया और साथ में ड्रग्स भी। हाँ क्यों प्रशांत जी, ये भी चलता है आपके इस क्लब में? नहीं सर, मेरा एक कंट कीजिए, मुझे नहीं पता था कि क्लब में ये सब कुछ हो रहा है। कामिया तुम मेरे क्लब में ये सब कर रही हो? आपके सिक्योरिटी गार्ड्स इस क्लब के अंदर आने वाले हर किसी का चेकिंग तो करती हैं, तो फिर उन्हें ये ड्रग कैसे नहीं मिला? मैं इन सबको नौकरी से निकाल दूंगा। निकालो या रखो, क्लब तो वैसे भी बंद रहेगा जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। सर हाँ रेडी, पूर्वी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबको अरेस्ट करो, स्टाफ के साथ साथ। पर सर हमें क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये ड्रग या जहर रुहान के ड्रिंक में आपके स्टाफ में से किसी ने डाला। हेलो एसीपी प्रद्युमन, वसुधा। वसुधा जी एक बात बताइए, आपका बेटा और बहू किस देश में गिरफ्तार हुए हैं? वो नोरा ज़िबिया में। नोरा ज़िबिया में? जी। इस देश में ड्रग्स की सजा डेथ। इतनी ड्रग्स मिली उनके बैग में से? क्योंकि ये तो छोटा मोटा जुर्म नहीं है, वो भी ज़िबिया जैसे देश में। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो सर आपके पास आई हूँ, प्लीज कुछ कीजिए ना। अच्छा आपके बच्चों का बैग लावारिस पड़ा हुआ था या फिर उसके आसपास कोई और भी था जो ड्रग्स उनके बैग में रख सकता था, किसी पे शक है आपको? नहीं सर, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। हाँ सही कह रही है वसुधा जी, हाँ लेकिन कोई भी बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है इसका अंदाजा नहीं है आपको है। मुझे एक बात बताओ कि जतिन और मोनिका इसी के साथ क्या उनकी दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था? नहीं सर, मेरा जतिन बहुत ही सीधा लड़का है, उसका कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा, कोई दुश्मन नहीं है उसका। और मोनिका मेरी बहू, उसका तो परिवार ही नहीं है, बहुत ही सीधी नेक लड़की है, कोई दुश्मन नहीं है हमारा। ठीक है वसुधा जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आज ही वहां के अथॉरिटी से बात करता हूँ, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। पूर्वी जरा इन्हें आइए सर, चिंता मत कीजिए। थैंक यू। ठीक है बोले सर, वहां की पुलिस हमारी बात थोड़ी ना सुनेगी, वहां पे ड्रग्स को लेके कानून बहुत स्ट्रिक्ट है सर, सजाए मौत। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा यार, अगर वो दोनों बेकसूर हैं तो फिर हम लोग इस तरीके से उनको मरने के लिए छोड़ नहीं सकते सर। वही तो, मैं वहां की ज़िबिया की पुलिस हेडक्वार्टर्स में बात करता हूँ, देखते हैं। दया तब तक एक काम करो, रुहान के घर जाकर पता लगाओ कि क्या वाकई कामिया उसे मतलब रुहान को जानती थी या नहीं, है ना सर? हाँ हेलो, आई कनेक्ट मी टू ज़िबिया नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट। हाँ हेलो, इज इट द नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ ज़िबिया? यस, मैं इंडिया से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। क्या मैं आपके नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर मोस्ट ऑफिसर से बात कर सकता हूँ? ऑफिसर वांग डांग स्पीकिंग। ऑफिसर वांग, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ इंडिया से। हेलो सर। सर एक रिक्वेस्ट है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप लोगों ने दो लोगों को ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्ट किया, मिस्टर जतिन कुमार और उसकी वाइफ मोनिका। यस सर, ये टेप्स हमें एयरपोर्ट से मिली थी, पिछले कुछ महीनों से ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इंडिया से ड्रग्स आ रहे हैं हमारे देश में और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्डन मी ऑफिसर वांग, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ ये ड्रग्स वाकई
इन दोनों के ही थे? मेरा मतलब है क्या उनके पास ही थे पहले से, या फिर किसी ने वो प्लांट किए हो उनके लगे ही? 200% श्योर सर, क्योंकि हमने पता किया है उनका बैग कभी किसी के हाथ में गया ही नहीं, और न ही हमें कहीं खुला पड़ा हुआ मिला, मतलब ड्रग्स उनका ही है। एक रिक्वेस्ट है सर, क्या मैं उन दोनों से बात कर सकता हूँ? श्योर सर, लेकिन आप लोगों के बीच में जो भी बातचीत होगी वो हमारी मौजूदगी में होगी। मैं फोन को स्पीकर पे रखूंगा। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे देश के CID ऑफिसर SCP प्रद्युमन तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, बात करो। हेलो, प्लीज हमें बचाइए सर। सर हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें यहाँ से निकालिए। जतिन जतिन, घबराओ मत। पहले ये बताओ ये ड्रग्स तुम्हारे पास आए कहाँ से? मेरा मतलब है तुम्हारे बैगेज में कैसे आए? हा? क्या तुमने अपनी बैग कहीं रखी थी, जमीन पर छोड़ी थी? नहीं सर, तो बैग हमने किसी को नहीं दिए, बिल्कुल नए बैग थे वो सर। नए बैग कब खरीदे थे, कहाँ से खरीदे थे? सर वो बैग हमने खरीदे नहीं थे, हमारी शादी के बाद हमें लकी ड्रॉ में जीते थे वो बैग्स भी, और इस देश का हनीमून ट्रिप भी। लकी ड्रॉ और ट्रिप भी, किसने किसने निकाला था ये लकी ड्रॉ? मोनिका, उस वेबसाइट का नाम क्या था? सर प्राइड्स लव करके एक वेबसाइट है, prideslove.com। सर जब हमारी शादी रजिस्टर करवाकर कोर्ट से निकल रहे थे। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। थैंक यू। मैं साशा हूँ और ये मेरा पार्टनर है जी। हम लोग prideslove.com से आए हैं, हमारे यहाँ न्यूली मैरिड कपल के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट चल रहा है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? सर ये एक स्क्रैच कार्ड है, आपको स्क्रैच करना है, और अगर आप विनर हुए तो आपको अब्रॉड हनीमून पैकेज फ्री में मिलेगा। ये हमारे पैकेजेस हैं। स्क्रैच करो ना जतिन। नहीं नहीं मोनिका, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, तुम करो। ओके। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस, आप हमारा पैकेज जीत गए हैं। ओह वाओ जतिन। चलो अच्छा, अब हनीमून पर कहाँ जाना है इसका भी फैसला हो गया। तो फिर हमारे गिफ्ट्स क्या हैं? सर उसके लिए आपको हमारे ऑफिस चलना पड़ेगा। यस प्लीज कम, चलिए। आप और शाशा और रुहान से पूछिए ना, उन्होंने ही वो बैग्स दिए थे हमें प्राइस के साथ। एक मिनट रुकने का, क्या नाम बताया तुमने फिर से बताओ? और शाशा और रुहान। हां अच्छा मोनिका, ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग बेगुनाह हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हैं? चिंता मत करो। सर प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए सर। सर प्लीज, हमने कुछ नहीं किया सर। सर वो ड्रग्स हमारे नहीं है सर। एसीपी सर। यस ऑफिसर वॉन्ग। आपके पास 48 घंटे बाकी है, अगर आप इन्हें बेगुनाह प्रूफ कर पाए तो ठीक है, वरना इस देश में ड्रग्स स्मगलिंग करने की सिर्फ एक ही सजा है, सजा है मौत। 48 घंटे। जल्दी से वसुधा जी को बुला। वसुधा जी, इस फोटो को देखिए, क्या आप जानते हैं इस आदमी को? सर ये तो रोहन है, इसी ने जतिन को लकी ड्रॉ जितवाया था, लेकिन इसे क्या हुआ? इसका खून हो गया है। क्या? जी हाँ, और हमें लगता है कि रोहन का केस और जतिन मोनिका का केस ये आपस में कनेक्टेड है। हमें तो लगता है इस रोहन ने ही जतिन के बैग में वो ड्रग्स रखी है। लेकिन ये तो ट्रैवल एजेंट है, वो ऐसा क्यों करेगा? ट्रैवल एजेंट था या ड्रग पेडलर, ये तो वक्त बताएगा। सर मैं दया कंफर्म कर देता हूँ। हाँ वसुधा जी, जरा बताइए इन ट्रिप की टिकट्स और वो बैग्स, नए बैग्स जतिन और मोनिका को कहाँ पर दिए गए थे? सर इनका ऑफिस शांति नगर में है, जतिन को इन्होंने वहीं पे बुलाया था। अच्छा, और रोहन के साथ कोई लड़की भी थी ना उस एजेंसी की? हाँ उसका नाम साशा। तो क्या साशा का स्केच बनवा सकती है पापा जी? हाँ हाँ। ये पड़ोसियों ने बताया था कि रोहन के परिवार वालों में कोई नहीं है, कैसे पता चलेगा उसके बारे में? बड़ी, जो इंसान जिस जगह पे रहता है उसका घर, उसके घर पे पड़ी ये चीजें, उसे पता चल जाता है कि वो आदमी कैसा है। ये देखो, जतिन और मोनिका के अलावा
न जाने कितने ऐसे शादीशुदा जोड़े थे जिन्हें रोहन ने हनीमून के पैकेज में भेजा था, और इन सब के बैग्स में वो ड्रग्स भी रखा होगा। ये जतिन की किस्मत खराब थी जो पकड़ा गया। सर तकिए के अंदर ड्रग। इस ट्रैवल एजेंसी के नाम पे रूहान न जाने कब से ये काला धंधा कर रहा है। ये रूहान को मारा किसने होगा? किसी राइवल गैंग वाले ने, या फिर हो सकता है उसी के गैंग के किसी आदमी ने मारा हो। क्योंकि जब ये जतिन और मोनिका पकड़े गए तो उनको लगा होगा कि हम लोग किसी तरह से रूहान तक पहुंच जाएंगे। ये क्या, रूहान के घर में इतने सारे आर्टिफैक्ट्स, ये हैंडीक्राफ्ट के हैं? लगता है रूहान हैंडीक्राफ्ट का काफी शौकीन था। शौकीन? पर इसके घर के माहौल को देख के लगता तो नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट का शौकीन हो सकता ही है। एक मिनट, वहां पे उस फाइल में रिसीट्स है, कुरियर के रिसीट्स, किसी हैंडीक्राफ्ट शोरूम का, जंगीपुरा से। कहीं हैंडीक्राफ्ट वहीं से तो नहीं है? आ गई बात समझ में। अच्छा, कुछ पता चला इस रूहान की मौत की वजह? ब्रेन हेमरेज। ये देखो, ये ब्लड सेल्स देख रहे हो, जैसे ही मिलीन इसके ब्लड में गई, इसके ब्लड सेल्स एनलार्ज होना शुरू हुए और धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि फट गए। इसी की वजह से इसका ब्रेन हेमरेज हुआ और ये मर गया। ये मेलिन तो उस ड्रग में होता है ना, क्या नाम है उसका, क्रैक डैश। इंटेलिजेंट हो यार। पर ये रूहान तो, ये तो ड्रग पेडलर था, इसको तो मालूम था कि कितनी ड्रग लेनी चाहिए कितनी नहीं। फिर भी ओवरडोज से अगर ये मर गया तो किसी और ने दी होगी इसे ड्रग। तुम ठीक है, और पता है ये ड्रग मुझे कहाँ मिली? इसके पेट में वाइट वाइन में मिली है ड्रग। और ये है वो ग्लास जिसमें से इसने वाइन पी थी और इसी में ड्रग मिली हुई थी। उंगलियों के निशान तीन अलग अलग लोगों के मिले। जाहिर है एक तो रूहान के होंगे। राइट, लेकिन बाकी दो किसके हैं वो अभी तक पता नहीं चला है। दूसरा निशान तो उस बार्टेंडर का होगा जिसने वाइन डाला है ग्लास में। और तीसरा? तीसरा निशान जानने के लिए पार्टी में जितने लोग मौजूद थे ना, उन सब की उंगलियों के निशान लेने होंगे। पर हाँ, ये देखो, ये सारी चीजें जो हमें रूहान के घर से मिली। तो उनका क्या? इनका ये दोस्त कि ये सब के सब अंदर से खोखले। ड्रग्स। तो इसमें भी ड्रग्स की ट्रेसेस हैं। मतलब हैंडीक्राफ्ट के अंदर ड्रग्स रखकर ये लोग लाते थे वहां जिंगीपुरा से। तो इस हैंडीक्राफ्ट की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। इस ट्रेवल एजेंसी से भी कुछ पता चल सकता है। सर, इस नाम की कोई एजेंसी है ही, और जतिन और मोनिका जिस सो कॉल्ड ऑफिस में गए थे वो ऑफिस भी नहीं, एक फ्लैट है जो खाली पड़ा हुआ है। और फिर उन बाकी कपल्स का क्या हुआ जिनको इसने विदेश भेजा था इस लॉटरी के जरिए रूहान ने? सर, टोटल 7 कपल्स को हनीमून पे भेजा था रूहान ने, उनमें से 4 शहर में नहीं है। और बाकी 3? बाकी 3 तो आ चुके। चलो मिलते हैं उन लोगों से। सर, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? हमने कुछ नहीं किया है। घबराइए मत, हम आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। किस बारे में? आप लोग जरा ये फोटोग्राफ देखिए, इनको तो पहचानते ही होंगे आप लोग। एक मिनट। हाँ, इन लोग ने ही हमें लकी ड्रॉ के जरिए हनीमून ट्रिप पे भेजा था। सर, हमें भी। अच्छा, ये लोग
वैसे इन लोगों ने तुम्हें कांटेक्ट कहाँ किया था? सर इन्होंने हमें कोर्ट के बाहर कांटेक्ट किया था। और फिर बैग्स भी दिए होंगे? हाँ सर, हमें बैग दिए थे, लेकिन अफसोस एयरपोर्ट पे हमारा सारा सामान चोरी हो गया। सर हमारे सूटकेस भी होटल रूम से गायब हो गए थे। और आपको भी कोर्ट के बाहर कांटेक्ट किया गया था? नहीं, हम तो शॉपिंग कर रहे थे एनके मार्केट में कपड़ों की दुकान के बाहर, और हमसे तो ये भी कहा था कि उनका सूटकेस का शोरूम है। और आप लोगों के बैग? हमारे बैग भी खो गए। आप सबका इस्तेमाल किया गया है लकी ड्रॉ के बहाने। इस्तेमाल किया? ड्रग्स स्मगल की गई है, आप लोगों के बैग्स में रखे, आप लोगों के जरिए। अब एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आइंदा किसी भी लॉटरी या लकी ड्रॉ पर भरोसा मत करना, कोई भी फंसा सकता है तुम लोगों को। जाइए। थैंक यू सर। अब तो हमारे पास सिर्फ 38 घंटे बचे हैं। अगर 38 घंटों में हमने कुछ नहीं किया तो जतिन और मोनिका दोनों को फांसी भी चढ़ा देगी ये ज़िबिया गवर्नमेंट। सर ये सब रुहान करता था और वो तो रहा नहीं, लेकिन इनका गैंग काफी बड़ा है, ये लोग स्मगलिंग रोकने वाले तो नहीं सर? हाँ सर, ये किसी नए शादीशुदा जोड़े के इस चक्कर में होंगे अभी फंसाने के लिए। अभिजीत जिंगीपुरा जाके जरा हैंडीक्राफ्ट लेकर आओ, और पूर्वी तुम और तारिका अपनी शादी की तैयारियां करो। मैडम आइए। देखो तुम सीआईडी वाले जानते नहीं हो कि मैं कौन। अच्छे से पता है तुम कौन हो, तुम्हारे पापा से बात भी होगी हमारी। उन्होंने कहा है कि अगर तुम गुनहगार हो तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। What? चुपचाप कोऑपरेट करो, समझी? जाइए। रेडी हो गया सबका? हाँ सालों के साहब। हाँ सालों के। वाइन ग्लास में किसकी उंगलियों के निशाने कुछ पता चला? लगभग चल ही रहा है काम। जल्दी कर यार, जल्दी कर, हमारे पास वक्त नहीं है। मिल गया मैच। मैच मिल गया बस। किसका मैच है? वाइन ग्लास पे रूहान की उंगलियों के साथ साथ दो लोगों की उंगलियों के निशाने, एक है सिमाया और दूसरी है काम्या। अरे सर मेरी उंगलियों के निशान तो होंगे ही, ड्रिंक मैंने ही तो दिया था, मैं बारटेंडर हूँ सर। तो सबसे ज्यादा शक सिमाया हम तुम पर करेंगे, और कामिया अब तुम भी तो यही कहोगी कि मैं निर्दोष हूँ। क्यों? तुम तो कह रहे थे कि तुम रूहान को जानती नहीं, फिर उसका ग्लास पकड़ के क्यों घूम रही थी? क्यों रूहान का ग्लास पकड़ के क्यों घूम रही थी? क्यों घूम रही थी? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे ड्रग्स लेने की आदत। अगर एक भी दिन मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ तो मुझे बहुत बेचैनी होती है, और ड्रग्स के लालच में से गलती से ये जुर्म हो गया। गलती से जुर्म नहीं होता कामिया, सोच समझ के जुर्म किया जाता है। अब बताओ किसके कहने पर कर रही थी ये तुम? मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन एक 23-24 साल की लड़की थी। पार्टी से पहले मैं अपने ड्रग डीलर से मिलने वाली थी, लेकिन फिर उसकी जगह वो आ गई और उसने कहा कि अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो वो लोग मुझे ड्रग्स नहीं देंगे। और क्या याद है उस लड़की के बारे में? कुछ नहीं। ये है वो? हाँ सर, हाँ यही है। साशा, जल्द से जल्द इस साशा तक पहुंचना चाहिए। अजी सुनते हो, अब हमारी शादी तो हो गई, हम लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? पब्ली जी, हनीमून वगैरह सब अमीरों के शौक है, अब इतने पैसे कहाँ है हमारे पास? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे हनीमून पे जाना है तो जाना है, जाना है, और वो भी विदेश जाना है। विदेश? अरे बाप रे, उसमें तो लाखों लग जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता। अरे पब्ली जी, अच्छा बात तो सुनिए हमारी,
अच्छा प्रदीप सुनो ना, अब हमारी शादी तो हो गई, तो तुम मुझे कहाँ घुमाने लेके जा रहे हो? बेबी मैं तो तुम्हें न्यूयॉर्क, हांगकांग, पेरिस ले जाना चाहता हूँ हनीमून के लिए। सच्ची? वाह, न्यूयॉर्क। पर तुम तो जानती हो ना यार कि मॉम कितनी कंजूस है, तो वो नहीं मानेंगी यार। मम्मी नहीं मानेंगी? अच्छा ठीक है, हनीमून पे हम नहीं जा रहे तो कुछ और बात कर लेते हैं ना। अच्छा बबली जी सुनिए ना, मैं सोचता हूँ ना कुछ हनीमून के बारे में। तुम क्या सोचोगे, मैं सोचती हूँ। ये इस दुकान से मुझे एक साड़ी दिलाओ अभी। बबली जी इस दुकान पे बहुत महंगी ड्रेसेस हैं। चलिए ना हम किसी और दुकान पे चलते हैं। लगता है कोई आ रहा है। लाओ बटवा लाओ अपना अभी। एक्सक्यूज मी जी, कहिए। हेलो मैम, मैं हूँ जिया और ये है मेरे पार्टनर मदन। तो एक्चुअली मैम हम JKLM रिसोर्ट की तरफ से 10 खुशनसीब कपल्स को हनीमून ट्रेवल के लिए विदेश भेज रहे हैं। आप इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे? क्या बात कर रहे हो, जरूर, क्यों नहीं, क्यों जी? ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, आप लोग बोलिए। आपको ये कार्ड स्क्रैच करना है और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप जीत भी सकती हैं। बस बस सच्ची करो। ये क्या है? ओ वाओ मैम, कंग्रेचुलेशन, आप जीत गई हैं। क्या? जी हम जीत गए। हाँ आप जीत गई हैं। हम लोग विदेश जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी आप ऑफिस चलिए, बाकी डिटेल्स हम वहीं डिस्कस कर लेते हैं। किस तरफ जाना है, इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ। हाँ चलिए ना। बता दो, ही बताया, देखते हैं। एकदम सही दुकान पर आए हैं साहब लोग। आप अपने मुंबई वाले शोरूम के लिए यहां से अच्छा हैंडक्राफ्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा साहब। अरे बिट्टू बेटा, चाय बोल जल्दी। अदरक वाली बोलो या इलायची वाली? अरे अदरक वाली बोलो बेटा, अदरक वाली। अरे क्या कर रहे हैं, चाय वाय छोड़ दीजिए जी, अच्छी सी डील दे दीजिए हमें। साहब आपको डील भी देंगे लेकिन चाय भी पीजिए, आप पहली बार आए हैं ना। अच्छा सुनिए प्रियंका, उसको पकौड़े बोल, जल्दी जा। दया ये लिटमस स्ट्रिप जैसे ही किसी ऐसी चीज को छुएगी जिस पे कभी ड्रग्स रखी होगी तो इसका रंग तुरंत लाल हो जाएगा। बिल्कुल ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो है ये वाला? जी साहब। हाँ ये भी मिल जाएगा। इसके ऐसे है जी, हमें मतलब करीब 40-50 पीस चाहिए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएगा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसा है जी, एक काम करते हैं जी, अभी आप चाय पकोड़े रहने दो जी, कल सुबह आते हैं, अच्छे मन से खरीदारी करेंगे। अरे साहब वो आने वाले। अरे क्या हो गया ना, पेट में थोड़ी सी गुड़गुड़ हो रही है। हाँ यार आज रहने दो, कल ही कर लेते हैं जी। अभिजीत 5 घंटे बचे हैं जतिन और मोनिका को बचाने के लिए, जल्दी से जल्दी मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा, क्योंकि जीविया की पुलिस जतिन और मोनिका को गोली मार देगी। एक काम करते हैं भैया, रात में आते हैं, रंगे हाथों पकड़ते हैं इनको, ये आपकी टिकट्स और होटल बुकिंग्स। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बस इतना ही? हमारे गिफ्ट्स? एक मिनट आइए। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, तो हम लोग चले फिर। सर हमें आपकी फोटो चाहिए थी हमारे रिकॉर्ड के लिए। हमारी फोटो? जी। आप एक काम करिए, आप यहीं पर खड़े हो जाइए, सीन भी अच्छा आ रहा है। हाँ ये आप पकड़िए, ये भी संभाल के रखिए। जी 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 बिल्कुल। तो इन्हीं फोटो की मदद से वो विदेश वाला ग्रुप उन कपल्स की पहचान करता है। जी कैसा है? ओके ओके बाय बाय, थैंक यू।
हेलो। हाँ, मछली कांटे में फंस गई। सर सभी बैग चीर फाड़ के देखे, इनमें ड्रग्स का नामो निशानी नहीं है। और भी ये कैसे हो सकता है? अगर कोई सबूत नहीं मिला तो हम कैसे बचा पाएंगे जतिन और मोनिका को? सर हो सकता है ड्रग्स उस आदमी के पास हो। कौन आदमी? उस ऑफिस से एक आदमी जा रहा था सूटकेस लेकर, और वो फोन पे किसी से बात कर रहा था कि उसकी फ्लाइट है रात 9 बजे की। अरे भाई साहब, देख के जरा। सॉरी भाई साहब। हाँ हेलो हेलो। हाँ मैं बोल रहा था कि हमारी रात 9 बजे की फ्लाइट है, टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है? उस आदमी का स्केच बनाओ जल्दी से जल्दी और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेज दो और टैक्सी वालों को भी भेज दो। देखते हैं है कौन ये आदमी। अंदर रोशनी है और कुछ आवाजें भी आ रही है। रात के अंधेरे में काले काम किए जा रहे हैं। क्या हो रहा भाई जी, चाय नहीं पिलाएंगे? अरे आप दोनों इस वक्त यहाँ? अरे यार पेट ठीक हो गया तो सोचा कि चाय और पकौड़े खा लिए जाए, क्यों? नहीं नहीं कल आना, कल कल। अरे इतना वक्त नहीं हमारे पास। अरे चीचे चाय के लिए गन निकाल दी, दिमाग तो ठिकाने में है आप लोगों का। सीआईडी का दिमाग हमेशा ठिकाने पे रहता है, समझे? सीआईडी अब फटाफट बता, सुहान को किसने मारा? और तुम सब लोग यहाँ किसके लिए काम करते हो? हमने किसी को नहीं मारा साहब। बॉस कौन है तुम्हारा? सब बम्बई में है कोई, हमने उसको देखा भी नहीं, बस हम पार्सल भेजते उसके। अच्छा देखा नहीं, तो पैसे कैसे लेते हो उससे? पैसे तो हमें रूहान और सासा देती है। असली बॉस कौन है उसका, ना कभी शक्ल देखा है ना हम उसका नाम जानते हैं। कैसा काम है लेगी, नंबर दे उसका। साहब वो हर रोज नए नंबर से फोन करती है। तो ड्रग जो तुम लोग ये आर्टिफैक्ट में भरते हो, ये रूहान के अलावा और किस किस को भेजते हो? डांसिंग रॉक क्लब में कुछ पार्सल भेजे। वहाँ ये ड्रग्स किसको मिलती है इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं सर। वो हम पता लगा लेंगे। चलो तुम लोग को पकौड़े खिलाते हैं जेल के। पूर्वी, मैंने सारे एयरपोर्ट ऑफिशियल्स और टैक्सी वालों को उस आदमी की फोटो भेज दी है, उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। 9 बज रहे हैं सर, उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया और जतिन की सजा कर दी, बस एक बार वो आदमी मिल जाए वरना 2 बेगुनाह जाने चले जाएंगे। आदमी स्पॉट हो गया। कहाँ पे? 21 जेके रोड, इसी रोड पर। सर शायद आ गया होगा। पूर्वी, हाँ टैक्सी। सर ओवरटेक करते, यही है। बाहर निकलो, निकलो बाहर। चाचा आप भी, पूरी की पूरी चोरों की टीम हाथ लगी है। मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों बेवकूफ हो, मैं कोई भी काम दूं यही अंजाम होगा। पकड़वा दिया ना सीआईडी से। सीआईडी? तो हो क्या रहा है यहाँ पे? जानते हो कहाँ ले जा रहे हैं लोग तुम्हें? ये तो मुझे एयरपोर्ट लेके जा रहे थे, मुझे विदेश का लकी ड्रॉ मिला है। विदेश का नहीं, विदेश की जेल का। ड्रग्स स्मगलर्स हैं ये लोग, तुम्हारे बैग में ड्रग छुपाई है इन्होंने। ड्रग से बैग में मैम। आखिर मिल ही गया जतिन और मोनिका की बेगुनाही का सबूत, ये ड्रग्स। इससे कमाल की बात है,
मैंने तुम लोगों को गुमराह करने के लिए गलत बैग दिया, फिर भी तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। और अब तुम्हारे बॉस तक पहुँचने की बारी है हमारी। चले बीरो। प्रशांत डांसिंग रॉक क्लब के मालिक, क्लब के आड़ में ये ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। सर्षा, तुमने मुझसे गद्दारी करके अच्छा नहीं किया, इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बची हुई जिंदगी उसी अंधेरे में सड़ते बैठना जिस अंधेरे में तुमने लाखों लोगों को ढकेल लिया था। रेडी, जल्दी से इसका कन्फेशन ले लो। 20 मिनट बचे हमें जतिन और मोनिका को बचाने के लिए। और इस तरह भोले भाले मासूम लोगों को फंसाकर न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक जाना माना ड्रग किंग पिन बन गया मैं। उम्मीद है अपने जुर्म का अफसोस होगा तुम दोनों को। हमने कोई जुर्म नहीं किया है सर, हम बेगुनाह हैं। तुम्हारे देश की CID भी तुम दोनों को बेगुनाह साबित नहीं कर सकी। गर्दमास, मोनिका, मोनिका मुझे माफ करना। साथ फेरे लेते वक्त मैंने जो कसम खाई थी तुम्हारी रक्षा करने की, मैं वो निभा नहीं सका। ऐसे मत कहो जतिन, हम साथ जी नहीं पाए तो क्या हुआ, कम से कम साथ मर तो रहे हैं। भगवान को क्यों मारा? उस बेवकूफ का जमीर जाग गया था, अपने आप को कानून के हवाले करना चाहना था। जतिन और मोनिका को फोन करके सारे डिटेल बताने वाला था, तब तो उसे मरना ही था ना सर, उसे मरना ही था। रेडी, अब जल्दी से जल्दी इसका वीडियो नोराज़ीबी अथॉरिटीज को भेज दो। यस सर। लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके बन गया ये जाना माना ड्रग किंग पिन। तुम्हें क्या लगता है, बहुत बड़ा काम किया तुमने? कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। टेक एम। Remove their mask and their handcuffs. सर, ये सब? I'm sorry. मैंने आप दोनों को गलत समझा। You both are free. हेलो मिस्टर वॉन्ग, ACP प्रद्युमन, मुंबई CID से। क्या आपको हमने असली मुजरिम का कन्फेशन भेज दिया, वीडियो भेज दिया है, मिला आपको? सर, मेरी टीम ने वीडियो देखकर वक्त पे मुझे बता दिया। अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाते तो शायद ये दोनों नहीं बच पाते। अच्छा, क्या हम जतिन और मोनिका से बात कर सकते हैं प्लीज? श्योर सर। CID। हेलो ACP सर। हेलो जतिन, देखो तुम्हारी मम्मी है यहाँ पर, लो बात कर। जतिन, मैडम, आप दोनों कैसे हो? मम्मी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारी फिक्र मत कीजिए। सर, हम आपका शुक्रिया कैसे करें? हमारी समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ सर,
सीआईडी का ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। नहीं नहीं जतिन, देखो हमने कोई एहसान नहीं किया है। इस देश के किसी भी नागरिक पर कोई भी आंच ना आ जाए, इसका ध्यान रखना ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है बेटा। बस तुम जल्दी घर वापस लौटो, तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही है। गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.